Assalamualaikum dear students, today topic of discussion is turning effect of a force. What is topic of discussion? Turning effect of a force. Look, जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये टर्न करेगी. दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क. ये एक स्पैनर है. ये क्यों यूज होता है? टू ओपन द नट. इस नट को ओपन करना है. हमने स्पैनर लगा दिया. अब यहां से मैं क्या लगाऊंगा? फोर्स. तो ये क्या करेगा? टर्न करेगा. टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. इसके एक और नाम है, क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. देखते हैं, ये है फोर्स जो टर्न करेगी. ये लाइन है जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है. तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैंने ये आपके सामने ड्रॉ की है. देखें, फोर्स ऐसे लग रही है. सो द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स, द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. गॉट इट? ये है पॉइंट. ये वो पॉइंट है कि जब फोर्स लगेगी तो इस पॉइंट के अराउंड बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी. दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिवट. इसे क्या कहते हैं? पिवट. द पॉइंट अलोंग विच, वेरी गुड, अलोंग विच अ बॉडी रोटेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पिवट. इट इज डिनोटेड बाय पी. गॉट इट? क्लियर? ओके. दिस इज पिवट डिनोटेड बाय पी. दिस इज पिवट. दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. This is perpendicular distance between pivot and line of action of force. This is called moment arm. This is called moment arm. This is very important terminology. Moment arm. Moment arm. Can you define it? The perpendicular distance. Good. Between. The perpendicular distance. Between very good pivot and line of action of force is called moment arm. जी, moment arm जो है वो एक distance है. क्या है? Distance. तो distance का ऐसे unit क्या होता है? Meter. So the SI unit of moment arm is meter. Moment arm is denoted by D. Moment arm को किससे denote करते हैं? D से. It can also be denoted by L. L for length. The perpendicular distance between pivot and line of action of force is called moment arm. Moment arm is denoted by D. It can also be denoted by L. As a unit of moment arm is meter because it is a distance. लेकिन ये distance बहुत समान होता है. इसको आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और ये मिलीमीटर में भी मेजर होता है. लेकिन whenever you will solve numerical problem regarding moment of force, you will have to convert the moment arm given in centimeter into meter. Okay. Two things, moment arm, clear, denoted by D. So whenever a force will act on this, along this line, there will be turning effect in spanner. This turning effect is called moment of force. This is called moment of force. बहुत से बच्चे
मोमेंट आर्म और मोमेंट ऑफ फोर्स को कंफ्यूज कर जाते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर? सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, मोमेंट आर्म इज डिनोटेड बाय डी। एनी डाउट? मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क एंड दिस इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड टॉर्क। दिस इज टॉर्क, टी ए टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज मोमेंट आर्म? विच डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन ऑल्सो डिराइव यूनिट फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स। What is unit of force? Newton. What is SI unit of distance or moment arm? Meter. So SI unit of torque is Newton meter. Turning effect. Look, ये board marker है. बताएं, ये point कौन सा है? ये point. Pivot. ये point कौन सा है? Pivot. Give me a scale. Give me a scale. Look. Here is scale. Okay. Which one is pivot? Left. This one is pivot. And line of action of force? This is line of action of force. This is line of action of force. And this perpendicular distance is called moment arm. Here is turning effect. Clockwise. Counterwise? Clockwise. And here is anti-clockwise. So, moment of force is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी मीन इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो सकती है टर्न की? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहते हैं। लुक, मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज पिवट, दिस इज पिवट, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज moment arm and it is denoted by D. Any question? Got it? So, aapne likh liya? Good. Moment of force or moment arm mein kya difference hai? What is difference between moment of force and moment arm? Moment of force is turning effect and moment arm is perpendicular distance. Moment arm is a part of formula of moment of force. Okay, look, ये एक wall है, ये wall है, wall के साथ यहाँ पे एक rod है, iron rod, इसको एक thread के साथ, एक rope के साथ ऐसे बांध दिया गया, तो rope में tension create हुई, force. Force is acting along the direction of, along the rope. This is line of action of force. Again, I repeat. आपको ये statement यकीन नजर आ रही होगी, लेकिन मैं repeat करता हूँ. ये आपके past paper का question है. एक straight wall है. This is wall. इसके साथ एक iron pole है. ये. A horizontal pole. ये है. जिसकी length को L से denote किया गया है. इस पोल की एक साइड से रोप बांध दी गई और उस रोप की दूसरी साइड वॉल के साथ एक हुक के साथ बांध दी। अब आप बताएं ये पोल मूव कर सकता है तो इसका पिवट कौन सा है? ये पिवट है। रोप को ऐसे खींचेंगे तो ये इसके अलॉन्ग ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे है ना, ऐसे हो सकता है ना। पिवट कौन सा है? ये पॉइंट। तो मोमेंट आर्म कौन सा है? ये मोमेंट आर्म है? नहीं, ये तो ज्यादा लेंथ आ गई, ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स रोप के अलोंग एक्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। सो विच फार्मूला विल बी द करेक्ट वन?
एफ क्रॉस डी, क्लियर? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क. अब हमने इसको टोटली डिस्कस कर लिया. आप देखें पहले डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पिवट इज कॉल्ड टॉर्क. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड. मोमेंट ऑफ फोर्स इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्लियर? फार्मूला, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, मोमेंट आर्म इज डिनोटेड बाय डी. सो व्हाट विल बी इट्स यूनिट? द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ मोमेंट आर्म और डिस्टेंस इज मीटर. सो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. अब हम देखते हैं कि टॉर्क हमारी लाइफ में कहां कहां होता है. जी, इसमें क्या हो रहा है बच्चे? बॉटल कैप किससे ओपन हो रहा है? बॉटल ओपनर से. टर्निंग इफेक्ट, क्लियर? इसमें डोर के नॉब को हम ऐसे खींच रहे हैं, डोर क्लोज और ओपन हो रहा है. टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. यहां पे स्टेरिंग फोर्स लग रही है, ये क्या है? पिवट. टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. एग्जाम्पल्स आर हियर. व्हेनेवर यू शार्प योर पेंसिल यू यूज टू अप्लाई द फोर्स. सो दैट इज ऑल्सो अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. टैप को जब आप ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. डोर नॉब को खींच के ओपन करते हैं. गॉट इट? दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन आवर लाइफ. दिस इज न्यूमेरिक क्वेश्चन. ओके, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन कैन लूजन अ नट. स्पेनर वाली बात है. लुक, फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है बेटा? 150 न्यूटन. व्हेन अप्लाइड एट द एंड ऑफ स्पेनर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. स्पेनर की जो लेंथ है वो क्या होती है? मोमेंट आर्म होती है 10 सेंटीमीटर. ऐसे ही है. मुझे क्या करना है? टॉर्क फाइंड करना है, टर्निंग इफेक्ट फाइंड करना है. तो टर्निंग इफेक्ट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लगाना है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. फोर्स कितनी गिवन है? 150 न्यूटन. मोमेंट आर्म कितना गिवन है? क्या मैं ये वैल्यू यहां यूज कर लूं? क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे ये, आप देखें, स्पेस मैंने छोड़ी है. आई हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर. अब मैं इसको यहां पुट कर सकता 0.1 मीटर. तो कितना आंसर आएगा? 15 न्यूटन मीटर. हरी अप, नोट इट. इज इट क्लियर? ओके, 15 न्यूटन मीटर आंसर. नेक्स्ट देखते हैं जी हम. ये देखिए फैक्टर्स इफेक्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स. जैसा कि आपको पता है, व्हाट इज फार्मूला ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स? एफ इनटू डी. दिस इज कॉल्ड टॉर्क. कितने इसके अंदर कितनी चीजें हैं? टू, फोर्स, मोमेंट आर्म. सो टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वन इज Another is, फोर्स ज्यादा होगी तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा. स्पेनर देखें, इस स्पेनर से नट ओपन करना आसान है या इससे? ऊपर वाले से आसान है. Why is it easy to open the nut by using this longer spanner? Very good, longer spanner. ये है pivot. ये क्या है? Line of action of force. And what is this? Moment arm. इस केस में moment arm क्या है? थोड़ा है. इस केस में moment arm ज्यादा है, तो it means turning effect यहां ज्यादा होगा. Any doubt? If we increase the force, moment of force will increase. If we increase the moment arm, the moment of force or turning effect will increase. So, turning effect depends on two things.
मेरा क्वेश्चन है अब आपसे, डोर देखा है, ये है पिवट जिसके अलॉन्ग इसने रोटेट करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं इसको, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां नॉब लगी हुई है। ये नॉब एक्सट्रीम एज पे क्यों होती है, यहां क्यों नहीं है? वेरी गुड, यहां पे नॉब लगाई गई है तो ये मोमेंट आर्म ज्यादा है, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है, इजी टू मूव, इजी टू ओपन एंड क्लोज। यहां पे अगर नॉब होती तो अगर नॉब यहां पे होती तो ओपन करना या क्लोज करना मुश्किल होता, ठीक है? तो इट मींस कि मोमेंट आर्म इंक्रीज होता है तो टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करें। जी बेटा, क्वेश्चन का आंसर बताएं। जी, क्वेश्चन इज वेयर डू वी पुट हैंडल ऑफ द डोर एट इट्स एक्सट्रीम एज, वी पुट हैंडल ऑफ द डोर एट इट्स एक्सट्रीम एज टू इंक्रीज मोमेंट आर्म एंड हेंस टू इंक्रीज टर्निंग इफेक्ट, बिकॉज टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन मोमेंट आर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इट इजियर टू ओपन द लिड ऑफ अ कंटेनर विद स्पून देन अ कॉइन? स्पून से ओपन करना लिड मुश्किल होता है, इजी होता है, जबकि कॉइन से मुश्किल होता है, क्यों? स्पून का मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाता है। एनी क्वेश्चन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, नंबर वन, नंबर टू, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी टर्निंग इफेक्ट, ग्रेटर मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी टर्निंग इफेक्ट। क्वेश्चन, जी क्वेश्चन पढ़े, मैं रीड करता हूं। इफ अ नट एंड अ बोल्ट आर डिफिकल्ट टू अंडू, मुश्किल हो रहा है नट को खोलना, इट मे बी इजियर टू टर्न द नट बाय यूजिंग लॉन्गर स्पैनर, लॉन्गर स्पैनर यूज करने से नट आसानी से ओपन हो जाता है, क्यों? जैसे ही स्पैनर बड़ा होता है उसका मोमेंट आर्म भी बड़ा हो जाता है और वो टर्न ज्यादा आसानी से करता है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ स्पैनर इज यूज्ड टू लूजन अ नट, द टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स टू द नट, विच नेम इज गिवन टू टर्निंग इफेक्ट, वट इज अनदर नेम ऑफ टर्निंग इफेक्ट? मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट पिवट तो नहीं ना हो सकता, पिवट क्यों नहीं हो सकता? पिवट इज अ पॉइंट अलोंग विच बॉडी रोटेट्स, प्रेशर भी नहीं है, रिजल्टेड भी नहीं है, तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? मोमेंट, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिस इज वर्क एग्जाम्पल ऑफ यूर टेक्स्ट बुक, वर्क एग्जाम्पल 5.1। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक तो टर्निंग इफेक्ट फाइंड करना है और दूसरा हमने देखना है कि टर्निंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पे। लुक, अ स्टूडेंट कंडक्ट्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू फील द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एज शोन इन द फिगर। इफ द वेट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, ये वेट है बेटा, कौन से पॉइंट पे है? 15 सेंटीमीटर। वेट है कितना? 5 न्यूटन। ओके, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, इज 5 न्यूटन, इज इट क्लियर? ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स, यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। फार्मूला क्या है टॉर्क का? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। फोर्स कितनी गिवन है बेटा? 5 न्यूटन। मोमेंट आर्म नहीं गिवन। मोमेंट आर्म हम कैसे फाइंड करते हैं? हम देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है, वो ये है। हम देखते हैं पिवट कौन सा है, ये पिवट है।
ये इसी के अराउंड क्या करेगी, ऐसे करके रोटेट करेगी. गॉट इट? तो मोमेंट आर्म क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. गॉट इट? पिवट कौन से पॉइंट पे है? 40 पे. और वेट कौन से पॉइंट पे है? 15 पे. दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना हुआ? 40 माइनस 15. तो ये डिस्टेंस पर पेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर. सो मोमेंट आर्म इज डिनोटेड बाय टी. दिस इज 25 सेंटीमीटर. इन दिस केस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो वी विल डिवाइड इट बाय 100. सो इट विल बिकम 0.25 मीटर. तो यहां मैं वैल्यू क्या पुट करूं? 0.25. आप इनको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर निकालें और आंसर चेक करें. हरी अब व्हाट इज आंसर? 1.25 न्यूटन मीटर. ये फर्स्ट केस का आंसर है. सेकंड केस भी आपको बताया गया है. सेकंड में क्या कहा गया है देखें. ही देन शिफ्ट द सेम वेट W. इसको शिफ्ट किया है. इधर कितने पे शिफ्ट किया है? 5 पे. ये W यहां आ गया 5 पे. मार्क है 5 सेंटीमीटर. फोर्स तो वही है, वेट तो वही है. वेट सेकंड केस की बात कर रहा. सेकंड केस में टॉर्क दोबारा फाइंड करना है. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. फोर्स वही है, वेट कितना वेट था? 5 न्यूटन. अब मोमेंट आर्म चेंज हो गया. मोमेंट आर्म कैसे चेंज हुआ है? इस वेट को 5 पे ले गए हैं. मोमेंट आर्म बढ़ गया है. देखें अब ये गैप है, ये गैप यानी 40 माइनस 5. मोमेंट आर्म कितना बन जाएगा आपकी बार? 35 सेंटीमीटर. जी बेटा क्लियर है? क्या कहा मैंने? पिवट से डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर, वो क्या होता है? 0.35 मीटर. मल्टीप्लाई करें, आंसर चेक करें क्या आंसर आता है. 1.75 न्यूटन मीटर. मेरा क्वेश्चन है वाई? ये टॉर्क टर्निंग इफेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स कम था, यहां मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा हो गया है. हालांकि वेट तो वही था. क्यों ज्यादा हुआ है? बिकॉज यू हैव इंक्रीज मोमेंट आर्म हियर. सो ग्रेटर द मोमेंट आर्म, ग्रेटर विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्स. इज इट क्लियर अफनान? इज इट क्लियर टू यू? सो इस वर्क एग्जाम्पल में कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है? विच कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस वर्क एग्जाम्पल? इफ वी इंक्रीज द मोमेंट आर्म, द मोमेंट ऑफ फोर्स विल इंक्रीज. हो हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं जी? बताइएगा. इधर ये भी कुछ हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? ये देखिएगा, ये हो गया, गया 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 ओ नीचे आ गया. ये क्या है? ये कौन सी मूवमेंट है? काउंटर क्लॉकवाइज. कौन सी है? लुक, क्लॉक कैसे चलती है भला? क्लॉक कैसे चलती है? 12 3 6 9. क्लॉक कैसे चलेगी बेटा? ऐसे क्लॉकवाइज. देखते हैं, ये अब क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा ही है ना? अब कौन सा है? काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. सो मोमेंट ऑफ फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स. इफ द टर्निंग इफेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ क्लॉक, देन दैट विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट, अदरवाइज इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अब बताइएगा ये कौन सी मोमेंट है? ये अभी देखिएगा, अभी 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 अभी, अभी नहीं वापस. कौन सी है? काउंटर क्लॉकवाइज. ऐसे ही है काउंटर क्लॉकवाइज. ओ ये कौन सी है? क्लॉकवाइज.
जिस पॉइंट पे ये बॉडी रोटेट कर रही है इसे कहते हैं पिवट या फलक्रम। क्या कहेंगे? फलक्रम। पिवट का वर्ड हम ज्यादा यूज करेंगे। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये है मोमेंट आर। सो टाइप्स ऑफ मोमेंट्स आर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइएगा ये कौन सा पॉइंट है? पिवट। ये कौन सा पॉइंट है? पिवट। ये क्या है? मोमेंट आर। ये क्या है? ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां टर्निंग इफेक्ट कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां टर्निंग इफेक्ट कैसे होगा? क्लॉकवाइज। सो मोमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अनदर इज अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हो, मजे की बात बता रहा हूं, इफ द क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल देन द बॉडी विल बी बैलेंस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सो राइट इट डाउन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, according to principle of moments, our body will be balanced if बता रहा हूं, if sum of clockwise moments are equal to sum of anti-clockwise, counter-clockwise भी बोलते हैं anti-clockwise को, anti-clockwise moments, ये moments ज्यादा भी हो सकते हैं। इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, देखें आप, एक छोटा बंदा, मैस कितना? 50 kg, वो बैलेंस कर दिया गया है किसके साथ? 150 kg के साथ। यानी एक बेबी को बाबा के साथ बैलेंस कर दिया गया है। कैसे बैलेंस हो सकते हैं दो डिफरेंट मैसेस? हो सकते हैं, यहां तो हुए पड़े हैं। क्यों जी? मोमेंट आर्म इसका हमने बढ़ा दिया, उसका मोमेंट आर्म कम कर दिया। देखते हैं हम पहले इसका टॉर्क फाइंड कर लें या इसका टॉर्क फाइंड करूं, पहले किसका करूं? 150 kg। लेट्स सपोज 150 kg क्लॉकवाइज जा रहा है, लेट्स सपोज ऐसे, ठीक है जी, 150 kg, ठीक है। पहले सुन ले भाई, मोमेंट का क्या फार्मूला होता है?